का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीनियस एकेडमी में। पुनः स्वागत है आप लोग का, जो मैं आपके लिए लेंस फॉर्मूला लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्त, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और MBBI है, क्या है MBBI है? MBBI है, ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है दोस्तों। और आपके लिए ये 5 नंबर का है, जो कि बहुत ही BBI है। इसमें लेंस फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला होता है जो, और एक होता है सिद्ध करने के लिए f = r/2। वो तीन वो लाइट लेसन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए लेकर आया हूँ लेंस फार्मूला, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्पफुल है। तो आइए हम देखते हैं इसके लिए ये क्या करना पड़ेगा इसमें, जो हमको 5 नंबर आ जाएगा दोस्त। क्या आ जाएगा? 5 नंबर हमको मिल जाएगा। क्या करना पड़ेगा इसमें? तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा वीडियो देखना है और आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमको क्या फाइंड आउट करना है, 1/f = v-1/u। ठीक है दोस्त, हमको ये प्रूव्ड करना है। और ये क्या है? MBBI है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है दोस्त। रिलेशन बिटवीन UV एंड F में हमको फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं। ये एक लेंस है दोस्त, ये एक लेंस है और मैंने एक ले लिया वस्तु है AB, और इससे होकर ये क्रॉस किया, यहाँ हमारा इमेज बना IV। ठीक है दोस्त, और ये फोकस है, ये इतना है, ये मेरा सेंट्रल है और ये फोकस दूरी है। आइए तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, पहले तो हम फिगर को एक्सप्लेन करेंगे, तभी तो हम इसको एक्सप्लेनेशन देंगे। तो देखिए, मान लिया कि एक उत्तल लेंस है, ये एक उत्तल लेंस है दोस्त, ये एक उत्तल लेंस है। तो हमने लिखेंगे पहले स्टेटमेंट में, हमने क्या देंगे, मान लिया कि एक उत्तल लेंस है जिसका प्रधान अक्ष AO है, जिसका प्रधान अक्ष AO है। ठीक है दोस्त, एक वस्तु है जिसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब IV बनता है, जिसका इसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब IB बनता है, I और B बनता है। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज AOP तथा IBP में, समरूप त्रिभुज क्या, AOP मतलब क्या, ये त्रिभुज मेरा है, ये त्रिभुज AOP तथा IBP में, IBP में मतलब क्या, ये त्रिभुज मेरा, ऐसे करके ले लेंगे, ये त्रिभुज हो गया मेरा IBP में। ठीक है दोस्त, ये दोनों आपस में समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज AOP में और IBP में। ठीक है, तो ये क्या समरूप है, तो AO/IB इतना बराबर ये होगा, AO/IB बराबर है OP/PI। ठीक है दोस्त, आप लोग तो यहाँ पे समझ गए होंगे, समरूप त्रिभुज है तो इसका ये बराबर होगा और ये इसका बट्टा ये होगा। ठीक है, इतना इतना बट्टा ये और इतना बट्टा ये होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इक्वेशन 1 मान लिए दोस्त। ठीक है, फिर हम लेंगे समरूप त्रिभुज MPF तथा IBPF में। MPF है कहाँ भाई, अब MPF दोस्त यहाँ पे अथी होता, हम भूल गए, MPF तथा IBF में मतलब क्या, ये त्रिभुज मेरा एक समरूप होगा आपस में और ये त्रिभुज मेरा एक समरूप होगा आपस में। ठीक है दोस्त, तो इसमें क्या होगा, MP आप लोग तो जान गए होंगे कैसे हम इसको निकाले हैं, उसी प्रकार हमको निकालना होगा। तो MP/IB, तो MP/IB बराबर है PF/IF के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तब यहां से देखते हैं हमने क्या लिखा, एमपी जो है मेरा, एमपी इसका और इसका, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे आते हैं, इसमें देखिए AO लिखे हैं, हम क्या लिखेंगे, AO लिखेंगे एमपी के बराबर है, तो AO/IB PF। और हम क्या निकालेंगे, IF हम कैसे निकालेंगे, तो हम IF चाहिए। ठीक है दोस्त, तो हम PI-IFPI घटा देंगे, PI इतना में से इतना घटा देंगे तो हमको IF मिल जाएगा, जो कि हमने यहाँ किया है। ठीक है दोस्त, तो समीकरण इसको हम 2 मान लेते हैं, समझ में आ रहा है ना आपको, समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे MP PO OP/PI बराबर है PF/PI, इतना कि ये बराबर है, इतना मतलब क्या, OP/PI बराबर है इतना बटा इतना। ठीक है, तो
तो हम लोग चिह परिपाटी के अनुसार क्या समझेंगे, हम लोग चिह परिपाटी के अनुसार समझेंगे क्या, PO बराबर है U, PO बराबर कितना है हमारा, हेलो PO बराबर कितना है, माइनस U है, PO बराबर माइनस U है, जो कि PO PO यहाँ इसके अपोजिट साइड में आता है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस का यूज करेंगे जो माइनस है, और PI इक्वल टू V होगा, PI इक्वल टू मेरा कितना है, V है, ठीक है दोस्त, चिह परिपाटी के अनुसार ये देखेंगे, और PI इक्वल टू F है, मतलब क्या PI P और I इक्वल टू सॉरी PF PF इक्वल टू मेरा F है जो फोकस दूरी है, यहाँ हम लोग इसे इन मानों को समीकरण तीन में रखेंगे, सॉरी इन मानों को समीकरण तीन में रखेंगे दोस्त, समीकरण तीन में रखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, PO माइनस U मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से समीकरण तीन है तो यहाँ माइनस U और PI कितना है दोस्त बताइए आप लोग, PI जी हाँ भी है इक्वल टू हम लोग PF देखेंगे, PF इक्वल टू F हो जाएगा, ठीक है दोस्त, और हम लोग क्या निकालेंगे PI और माइनस PF, तो PI कितना मेरा V है और PF मेरा कितना F है, जी हाँ दोस्तों यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो आइए हम लोग अब देखते हैं कितना इसको हम लोग कोणात्मक गुना कर देंगे, जी हाँ दोस्तों इसको हम लोग कोणात्मक गुना कर देंगे, तो हम लोग कोणात्मक गुना जो करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखिए VF इसको इधर से गुना कर देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे तो VF हो जाएगा मेरा, और इसको माइनस से गुना कर देंगे माइनस VF, और इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और UF ठीक है दोस्त, तो UF को हम इस साइड रखे, इसको हम इस साइड भेज दिए तो माइनस का प्लस हो गया, UF है सही है, इसको हम उस साइड भेज दिए तो प्लस हो गया, अब देखिए इसमें हम और कुछ बाकी, जी हाँ तो दोस्तों अब इसके बाद मेरा प्रोसेस रहेगा, हम यहाँ तक तो निकाल दिए यू वी इजकल टू यू एफ माइनस वी एफ, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हम इसको यू वी एफ से भाग दे देंगे, क्या करेंगे दोस्त यू वी एफ से भाग दे देंगे, तो यू वी एफ से आइए हम लोग भाग देते हैं, तो दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर अगर हम लोग दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देंगे इसमें तो यू एफ यू वी तो यू वी बट्टा यू वी एफ बराबर है यू F U F बटा U V F माइनस है तो माइनस V F है तो V F देगा U V F से हम लोग क्या करते हैं भाग देते हैं, आइए इसको U से U जाएगा V से V जाएगा, ठीक है U से U जाएगा F से F जाएगा V से V जाएगा और F से F जाएगा, मेरा बचा तो बचा क्या 1 बटा F 1 बचा F बचा तो 1 बटा F इक्वल टू ऊपर में 1 बचा नीचे में V बचा तो 1 बटा V माइनस है तो माइनस वन बटा यू, तो मेरा क्या निकल गया लेंस फार्मूला वन बटा एफ इजकल टू वन बटा वी माइनस वन बटा यू, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया दोस्तों, यही पे हम लोग पांच नंबर हम लोग कमांड कर लिए, क्या कर लिए पांच नंबर हम लोग कमांड कर लिए, आवर्धन क्या कहता है आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन क्या होता है, आइए देखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं आवर्धन कहते हैं ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं आवर्धन कहते हैं, जी हाँ दोस्तों, तो आवर्धन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये हम लोग अनुपात बोले तो रेशियो में आ गया, रेशियो मतलब क्या बट्टा में आ गया, तो बट्टा में आ गया जब, तो आवर्धन को हम लोग क्या फॉर्मूला बनाएंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, अब इसको हम लोग डिफिनेशन कैसे देंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या करेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को आवर्धन कहते हैं, आइए तो इसे हम एम से सूचित करते हैं, आवर्धन को हम लोग एम से सूचित करते हैं, आवर्धन को क्या करते हैं किसे सूचित करते हैं एम से, ऑब्जेक्टिव हो गया दोस्त, आवर्धन को किसे सूचित करते हैं तो एम से, और आवर्धन इजकल टू क्या होता है वन बटा भी इजकल टू वन बटा यू सॉरी वन बटा एम इजकल टू भी बटा यू, क्या होता है m इक्वल टू v बटा u, ये भी मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया, क्या हो गया दोस्त ऑब्जेक्टिव हो गया, तो हम लोग आज क्या देखे लेंस फार्मूला देखे, लेंस फार्मूला भी आई है दोस्तों m भी आई है, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है और पूछ लिया जाता है, विद्यार्थी को पांच नंबर तो ऐसा ही मिल जाता है, तो आज हम लोग क्या किए पांच नंबर पे कमांड कर लिए और एक दो तो ऑब्जेक्टिव देख ही लिए हैं, तो दोस्तों आइए
जीनियस अकेडमी को सब मिलकर सपोर्ट करते हैं, और पसंद आएगा तो दिल से एक लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है ना दोस्तों, क्योंकि ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप लोग बेल आइकन तो दबाइएगा। तो आज हम लोग 5 नंबर कमाल कर लिया, हम लोग दूसरे क्लास में लेकर आएंगे। ये तो लेंस फॉर्मूला हो गया, हम लेकर आएंगे आपके लिए एफ बराबर आर बटा टू, सॉरी एफ बराबर आर बटा टू लेकर आएंगे आपके लिए। ये भी हम सिद्ध करेंगे, ये भी 5 नंबर में या 3 नंबर सॉरी 5 नंबर में, और इसमें कुछ जोड़ के 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। और एक मिरर फॉर्मूला होता है जो 1 बटा एफ इक्वल टू 1 बटा वी प्लस 1 बटा यू होता है, हम लोग उसको भी देखेंगे। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना ही है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।